सांस्कृतिक राजधानी भारत की पुणे से आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ एक बहुत ही नए शानदार जबरदस्त ट्रैवल व्लॉग में। फिलहाल मैं अभी खड़ा हूँ पुणे जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। आज बहुत ही खास इवेंट होने वाला है। आज पुणे को मिलने जा रही है अपनी पहली वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि चलने वाली है पुणे से लेकर कर्नाटक के हुबली जंक्शन तक। बहुत ही ज़्यादा डिमांडेबल रूट ये रहा है पुणे और हुबली के बीच में। बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है आज मेरे साथ आप सफर करने वाले हो पुणे से लेकर हुबली तक इस वंदे भारत एक्सप्रेस में। मेन बात अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस आज है भगवा कलर में, बहुत ही अलग ही भाई साहब एक अंदर एनर्जी आ जाती है इस वंदे भारत को देख के। आज मेरे साथ आज आप ट्रैवल करने वाले हो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। जर्नी की शुरुआत करते हैं, बाकी काफ़ी ज़्यादा चीफ गेस्ट आज यहाँ पर आने वाले हैं। और एक और चीज़, भारतीय रेलवे को और भारत को आज मिलने वाली अपनी पहली वंदे मेट्रो जो कि भुज और अहमदाबाद के बीच में चलने वाली है। कभी पॉसिबल हुआ तो उसको भी कवर करेंगे। चलिए आपको इंटीरियर्स दिखाता हूँ भगवा वंदे भारत एक्सप्रेस के और बाकी चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं। देखिए पुणे स्टेशन पे एंट्री कितनी बढ़िया बना दी इन लोगों ने, और ये जो एंट्री है ना सबसे बढ़िया लग रही है, रेड कारपेट एंट्री, और सामने अपनी भगवा वंदे भारत एक्सप्रेस खड़ी है। यहाँ पर देखिए वंदे भारत के इनॉग्रेशन करने के लिए VIP गेस्ट भी आ चुके हैं, पुणे के खासदार मुरलीधर मोहोर सर, उसके बाद बहुत सारे VIP गेस्ट यहाँ पे आ चुके हैं। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आज अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वंदे भारत को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। यहाँ पे अंदर हम आ चुके हैं, ये सामने हमारा कोच है, आपको इंटीरियर दिखाता हूँ AC चेयर कार कोच के। इसमें आज हमारी जर्नी होने वाली है कुछ ऐसे अपने AC चेयर कार कोच के इंटीरियर्स। आपको काफ़ी ज़्यादा बार दिखा चुका हूँ, बट फिर भी भगवा वंदे भारत एक्सप्रेस के अपने इंटीरियर्स। बाकी देखो अपना सोवेनियर टिकट जो है कुछ ऐसे दिख रहा है, बहुत बढ़िया यार, ये रेलवेज ने अच्छा किया है, कुछ मतलब बढ़िया प्रेजेंटेशन दिख रहा है। पहले बैठ के आपको एक बार कम्फर्ट बताता हूँ कैसा इसका कम्फर्ट होता है। चलिए भाई बैठ चुका हूँ, काफ़ी ज़्यादा भाई साहब इतनी ज़्यादा भीड़ है बाहर, काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स यहाँ पे आ चुके हैं। अच्छा लगता है भाई रेलवेज को प्रमोट हम लोग मिलकर कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। बाकी कंफर्ट है भाई, सीट में कंफर्ट बहुत ज़्यादा है। जबली वंदे भारत जब चली थी भारतीय रेलवे की बनारस और दिल्ली के बीच में, उसमें ना बहुत ज़्यादा खामियाँ मौजूद थी, जैसे कि जैसे डाइनिंग टेबल आप देख पा रहे हो ना उसमें ना एक फट्टा था, वैसे तो फट्टे में दिक्कत क्या होती थी कि खाना गिर जाता था, स्पिल होता था फूड। इसकी वजह से रेलवेज ने ना पैसेंजर फीडबैक को काफी ज्यादा सीरियसली लिया, उसके बाद ये चीजें इंट्रोड्यूस की गई। देखिए कितना बढ़िया मटेरियल का इन लोगों ने स्टर्डी ये दिया है, तो आराम से बैठकर फूड एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद रिक्लाइनर, मेन बात पहली वंदे भारत में रिक्लाइनिंग की सुविधा ही नहीं थी चेयर कार में, कहूँगा ना तो देखो सीट अपने आप रिक्लाइन हो जाएगी, आराम से आप 6-7 घंटे की जर्नी बेझिझक आप कम्प्लीट कर सकते हो। देखिए आपको ना वंदे भारत में चार्जिंग की कोई दिक्कत नहीं होने वाली, कुल मिलाकर देखो सामने मेरे 3 सीट है, यहाँ पर भी 3 सीट है, हर एक सीट के लिए आपको एक चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा। उसके बाद एक USB का सॉकेट भी है और एक टाइप सी अगर आपके पास है तो वो भी आप लगा सकते हो, बहुत एक अच्छी सहूलियत आप इसको कह सकते हो। यहाँ पर देखिए अपना केटरिंग डिपार्टमेंट जो होता है ना यहीं से मैनेज होता है, जो चीज़ें हमें सर्व की जाएगी हॉट, इसके लिए हॉट का ये अपना क्या बोलते हैं फ्रीज़र भी है, डीप फ्रीज़र है, हर चीज़ें हॉट केस है, कोल्ड केस है, बढ़िया से यहाँ पे सब चीज़ें मैनेज हो जाती है। वंदे भारत का ना एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगती है कि जो केटरिंग वाले स्टाफ होते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है हर चीज़ को मैनेज करना। बाय बाय। चलिए भाई साहब दरवाजे हो चुके हैं बंद, अगर आप अंदर आ रहे हो तो इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना, दरवाजे बंद हो जाते हैं भाई साहब, ये एक दिक्कत है। यहाँ पर देखिए सारे VIP गेस्ट का आगमन पुणे रेलवे स्टेशन पर हो चुका है, जो सारे मिलके हरी झंडी दिखाने वाले अपने आज के पुणे की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को। यहाँ पर देखो पुणेरी ढोल पथक वगैरह भी आ चुके हैं, जो कि अपने वंदे भारत जब छूटेगी ना तब ये लोग भी सेलिब्रेट करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। अभी फिलहाल DCM आ चुके हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी, अजीत पवार जी, बहुत सारे लोग यहाँ पे आ चुके हैं वंदे भारत को हरी झंडी दिखाने के लिए। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी अपनी ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। चलिए भाई दरवाजा यहाँ पे अभी क्लोज होने को आ रहा है और निकलने के लिए हम तैयार है पुणे जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। फाइनली बंद हो चुके हैं, पुणे के कमिश्नर ऑफ पुलिस भी थे। ये देखो भाई पुणेरी ढोल ताशा के साथ डिपार्चर अपना हो गया यहाँ से।
वहाँ पर देखो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अपनी वंदे भारत को हरी झंडी दिखा दी गई है। अभी अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस निकल चुकी है पुणे जंक्शन से, यहाँ से जंक्शन, इसलिए यहाँ से हम आगे बढ़ने वाले हैं अभी मीरज की ओर, सातारा होते हुए मीरज की ओर बढ़ने वाले हैं। एक लाइन ऐसा निकल जाते हैं डायरेक्ट डाउन जंक्शन के लिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जंक्शन स्टेशन है। वंदे भारत में चल रहे हैं फिलहाल इनॉग्रल स्पेशल ट्रेन है, तो इनॉग्रल स्पेशल के लिए खाना अलग होता है, इस चीज का नोट करना। काफी लोग मुझे कमेंट करके बोलते भाई हम जब कमर्शियल जर्नी में गए थे तो हमें सेम खाना क्यों नहीं मिला है। खाना इनॉग्रल स्पेशल का अलग होता है और कमर्शियल में अलग होता है, वो सब डिटेल्स आपके साथ में शेयर कर ही लूंगा। देखते हैं जर्नी चल रही फिलहाल बहुत बढ़िया, भाई साहब रफ्तार पकड़ ली, ये चीज होता है भाई जब ट्रेन सेट चलता है ना, एक्सेलरेशन एक नंबर। अभी क्रॉसिंग कोई तो गाड़ी के साथ हुई, अभी वो देखो भाई लोगों की एक्साइटमेंट एक नंबर ऑन पीक है यार, बहुत बढ़िया भाई। भाई स्पीड क्या होगी अभी 50-60 के आसपास स्पीड पकड़ भी लिया भाई, ये बात होती है यार। वंदे भारत के एक्सेलरेशन की जितनी तारीफ करूँ ना उतनी कम है। और देखो बलून से वगैरह सजाया, एक अच्छी बात लेके यार बलून वगैरह से सजा दिया वंदे भारत को। और भाई सिक्योरिटी देखो, ताकि पथराव वगैरह कोई कर ना पाए, क्योंकि स्टोन पेंटिंग भी बहुत सारे लोग करते हैं। अभी हम घोरपड़ी को पार कर रहे हैं, इसके आगे आगे सातारा की ओर हम बढ़ गए अभी, और सोलापुर वाली लाइन ना हमारे लेफ्ट से कट चुके हैं ऑलरेडी। चलिए बाकी देखते हैं कैसे। देखो लोग, देखो एक्साइटमेंट देखो यहाँ पे, ये देखो ये सबसे देखने लायक चीज़ होती है जब रेलवे क्रॉसिंग पे। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। वैसे इसका जब कमर्शियल गाड़ी जब शुरू हो जाएगी ना, पहला ऑल्ट इसका मीराज होने वाला है, बट इनॉग्रल स्पेशल होने के कारण सातारा वगैरह इन सब जगह पे हमारी ट्रेन रुकने वाली, बहुत सारे एमएलए एमपी वगैरह चढ़ेंगे, वो तो होता है इनॉग्रल में। भाई साहब एक बात की खुशी है, अपने पुणे की वंदे भारत है और पहली पुणे की वंदे भारत, पुणे हुबली वंदे भारत। एक और कोल्हापुर पुणे भी शुरू हो चुकी है, जो कोल्हापुर से अभी निकलेगी शाम या रात तक पता नहीं पुणे तक पहुंच भी जाएगी। अब कैसा होता है ना बैक टू बैक जब कोई इनॉग्रेशन होता है, इतनी ज्यादा थकावट होती है, ऊपर से तबियत खराब है, बट वो सब चीजें साइड में रखते हैं। चेतन भाई हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं, कैसा लग रहा है पहली बार वंदे भारत में शायद आप बैठ रहे हो? हाँ जी, आपकी क्या बोलते हैं, आपके सपोर्ट की वजह से, आपके कुछ सपोर्ट नहीं, बस भाई का हमने दिया पास हो गया। वही आपने पास अगर किया नहीं होता तो मतलब इतनी जल्दी मेरे को मौका नहीं मिलता। फिर भी कैसा लग रहा है, मतलब वंदे भारत का पहला एक्सपीरियंस कैसा है? बहुत प्रीमियम फील दे रहा है, मतलब अभी तो ये ऑरेंज वंदे भारत है तो एकदम प्रीमियम वाला फील देता है। यार एक चीज देखो, पुणे से निकलने के बाद नजारे कितने ज्यादा खूबसूरत हो गए। अभी हम फिलहाल छिंदवाड़ा घाट में एंटर होने वाले हैं और थोड़ी देर में सातारा पहुंचेंगे, बाकी जेजुरी स्टेशन को स्किप करने वाले अभी हम। कितना बढ़िया लग रहा है यहाँ पे। बाकी हमारा जो है ना फूड यहाँ पे आ चुका है काका हलवाई की तरफ से। अरे भाई साहब ये नज़ारा एक बार देखो, छिंदवाने घाट में फिलहाल अभी अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है, क्या मेस्मराइजिंग नज़ारे हैं भाई। अभी तो मानसून खत्म होने को आ गया, बट यहाँ पर पानी बहुत ज्यादा रहता है मानसून के टाइम। एक मिनट यह लगता है जब किसी का बर्थडे वंदे भारत में सेलिब्रेट होता है, वहाँ वहाँ पर भाई है उनका बर्थडे हुआ है, फर्स्ट टाइम ये हुआ है, फर्स्ट टाइम हुआ है, फर्स्ट टाइम हुआ है। थैंक यू सो मच भाई फॉर दिस केक, बढ़िया। फिलहाल तो अपना चल रहा है यहाँ पे इवनिंग स्नैक्स, बाकी भाई हमारे साथ आ चुके हैं आरसीडी इनसाइड हिट वाले भाई, आपका नाम रुद्रा भाई, भाई का चैनल है आरसीडी इनसाइड हिट, कनाडा में व्लॉग्स बनाते हैं। मेन बात भाई मेरे को मिले थे एक साल पहले, भाई के सब्सक्राइबर 500-600 थे, अभी भाई ने मेहनत करके 18-19,000 सब्सक्राइबर पा लिए, क्या बात है भाई, एक नंबर। आपने अपना रीजनल कंटेंट डालना शुरू किया, बहुत बढ़िया भैया, ऐसा कुछ। बाकी खाना कैसा था, स्नैक्स वगैरह? आपने जो बोला ना पुणे का स्पेशल मटर करंजी, मटर करंजी, नेक्स्ट टाइम पुणे आओगे तो मुझे बताना और चीजें भी ट्राई करेंगे हम वहाँ, ठीक है। बाकी भाई के साथ डिनर का रिव्यू करते हैं और जर्नी चली रही है बढ़िया। यहाँ पर अभी हम स्किप कर चुके हैं जेजुरी रेलवे स्टेशन को, जिन जिन लोग जो जो लोग महाराष्ट्र से उनको पता होगा खंडोबा टेम्पल यहाँ से काफी ज्यादा पास है, स्टेशन से 3-4 किलोमीटर की दूर पर आता है। चलिए भाई इनॉग्रेशन का तो टाइमिंग वगैरह कुछ फिक्स होता नहीं है वैसे, आपको बता दूँ, बट फिर भी कमर्शियल की आपको टाइमिंग्स बता देता हूँ। हुबली से पुणे ये वंदे भारत चलिए 2086 कुछ तो नंबर है, आप लिख दूंगा अगर गलत हूँ तो। इसका ट्राइवीकली ट्रेन है वेनसडे थर्सडे और संडे कुछ तो ये चलती है फ्रॉम हुबली टू पुणे। इसके फेयर के बारे में बात करते हैं, एसी चेयर कार में अगर आपको ट्रैवल करना है विथ फूड तो आपको पे करने पड़ेंगे लगभग 1530 रुपये। इसमें आपका खाना पीना हर चीज़ इंक्लूडेड है, फिर भी आप एक बार IRCTC पर प्रॉपर टाइमिंग्स वगैरह चेकआउट कर लो। उसके बाद अगर आपको इसके सबसे उच्चतम क्लास में यानी कि एग्जीक्यूटिव चेयर कार में ट्रैवल करना है तो इसका फेयर
हुबली टू पुणे लगभग 2730 रुपए है, उसमें भी आपका खाना पीना हर चीज इंक्लूडेड है। फर्क इतना ही है चेयर कार और एग्जीक्यूटिव के खाने में, बस आपको ना चाय कॉफी हो गया जिसमें वो कटलरी में मिलता है ना। और मेन बात एग्जीक्यूटिव में एक चीज बस बड़ा होता है, उसमें आपको डिनर से पहले या लंच से पहले सूप मिलता है, वो एक फर्क पड़ता है। और एग्जीक्यूटिव का आपको सीटिंग वगैरह पता ही है कितनी ज्यादा कंफर्टेबल है। कोशिश यही है कि डिनर का जो रिव्यू वो वही बैठ के किया जाए आपके लिए। अभी हम फिलहाल लोनंद को स्किप कर रहे हैं, थोड़ी देर में सतारा पहुंचेंगे, सतारा पर अपनी ट्रेन का। वैसे कमर्शियल हॉल्ट तो पता नहीं है या नहीं है, बट अपना क्या बोलते हैं इनॉग्रल स्पेशल का तो हॉल्ट है ही। तो देख पा रहा हूँ यार भाई, लेफ्ट में लोग रास्ते पर भी खड़े होकर वीडियो ले रहे हैं वंदे भारत का। बहुत अच्छा लगता है यार ये देख कर भाई साहब, अलग ही भाई अलग ही मजा है वंदे भारत का सच में। चलिए इनॉग्रल स्पेशल ट्रेन है, तो अभी इवनिंग स्नैक्स अपने को सर्व किए गए हैं, आपको दिखाता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। पहले तो ये देखिए आप, टिश्यू है, उसके बाद कचौरी है, और ये शायद से ना अपना मटर करंजी जो पुणे की फेमस है, काका हलवाई से। देखो आज का हमारा इवनिंग स्नैक्स आ चुका है, एक इसमें है गुलाब जामुन, इसमें है चिवड़ा, मेन तो टेस्ट करने की बात है समोसा और कचौरी को, और ये एक यम्मी गुआवा का ड्रिंक भी है पेपर बोट की तरफ से। भाई साहब इसमें ना ये बहुत होती है चीनी, बहुत होती है, मतलब लगभग 25% तो चीनी है, 50% तो चीनी है इसमें। चलिए एक बार इसको टेस्ट करते हैं फटाफट से, आपको रिव्यू शेयर करता हूँ, और एक बार ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे कमर्शियल रन भी इसका आपके लिए कवर कर पाऊँ तो अच्छे तरीके से आपको और दिखा पाऊँगा। ये तो इनॉग्रल स्पेशल है, ऐसा सेम टू सेम खाना आपको नहीं मिलेगा अगर आप कमर्शियल में ट्रैवल करोगे। पीछे थोड़ा सा हल्ला हो रहा है क्योंकि यार सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, थोड़ा मैं सॉस नीचे डाल लेता हूँ। टेस्ट करते हैं इस कचौरी को, ऑब्वियसली ठंडा हो चुका है। फीलिंग बहुत अच्छी है यार, कचौरी तो बहुत बढ़िया है। मटर करंजी की फीलिंग दिखाता हूँ, अरे यार बहुत कड़क हो चुकी है, बट ये देख लीजिएगा एक बार, पुणे की फेमस है मटर करंजी, बहुत बढ़िया लगती है भाई, मेरी तो फेवरेट है, मैं नॉर्मली भी बहुत खाता हूँ। लाजवाब इवनिंग स्नैक्स में भाई इतना बढ़िया दिया है ना, डिनर से एक्सपेक्टेशन और हाई हो चुकी है मेरी। भाई साहब सनसेट यहाँ पे हो रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है यार ये देखो, बहुत बढ़िया यहाँ पे अभी हो चुका है मेरे स्नैक्स का, अगर बढ़िया लग रहा है। अदर की कर्व काफी ज्यादा मशहूर है, हॉर्सशू कर्व है, बहुत बढ़िया लग रहा है यार वंदे भारत इस कर्व पर ना और ही अच्छी लगती है यार, बहुत बढ़िया। यहाँ पर अभी अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस पहुंच चुकी है सतारा रेलवे स्टेशन पर, काफी ज्यादा टाइम लग गया मैं यहाँ तक पहुंचते, लगभग शाम ढल चुके हैं यहाँ पे, लोग देखो वीडियो फोटो निकालने में तैयार है। बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे देखो उतर रहे हैं सतारा पे, ढोल ताशा भाई चालू हो गया यहाँ पे, वो देखो आगे के साइड ढोल ताशा चल रहे हैं भाई साहब, ये माहौल सबसे बेस्ट होता है। चूंकि अपने वंदे भारत के पहले हॉल्ट पे सतारा रेलवे स्टेशन पर, कमर्शियल का टाइम यहाँ पे हॉल्ट होगा नहीं आई एम नॉट श्योर, बट अभी इनॉग्रल स्पेशल हॉल्ट हमारा यहाँ पे है, भगवा वंदे भारत का पहला इनॉग्रल स्पेशल हॉल्ट। आगे ढोल ताशा चल रहा है, कोशिश करते हैं, चलो चलते आगे, कोशिश करते हैं आगे जाने की, दिखाते हैं आपको। वहां पर देखो पूरा ढोल ताशा चल रहा है एकदम बढ़िया से, दरवाजे यहाँ पे बंद हो चुके हैं फाइनली, तो इस बात का ध्यान जरूर रखना अगर किसी को छोड़ने आ रहे हो ना तो बाहर से अलविदा कर दो, अंदर आने की जरूरत नहीं है ना भैया, अंदर फालतू में अटक जाते हैं लोग, बाहर वाला भी अंदर रह जाएगा। लाइव एग्जांपल हमने बहुत बार देखा है व्लॉग्स में, कम हो गए काफी ज्यादा, आगे और ज्यादा चढ़ेंगे। हमें डिपार्चर हो चुका है सतारा रेलवे स्टेशन से, लोग देखो फोटो वीडियो एकदम बढ़िया से खींच रहे हैं, सारे वीआईपीओ के द्वारा भी अलविदा किया जा रहा है वंदे भारत को। यहाँ पे शाम भी ढल चुकी है सतारा पे। चलिए यहाँ पे देखो टी कॉफी की सर्विस फाइनल आ चुकी है, चाय में देखिए सोसाइटी डेली मसाला चाय है, और भैया कॉफी है ना ये कॉफी कौन सी आप सजेस्ट करोगे भैया?
कॉफी करवा दो फिर मेरे लिए एक, और क्या लोगे छत्र भाई? मेरे लिए चाय। चाय, एक चाय एक कॉफी भाई आप? चाय। चलो दो चाय एक कॉफी करा दो भैया। बड़ा मेहनत का काम होता है सर्व करना हर एक पैसेंजर को, इन लोगों को भी यार सच में हैट्स ऑफ है। भैया अभी सर्व करे बढ़िया से कॉफी सोसाइटी वाली। अब अभी कुछ समय क्रॉसिंग होने वाली हमारी नई नवेली कोल्हापुर पुणे वंदे भारत इनॉग्रल स्पेशल ट्रेन के साथ, जो भी कोल्हापुर से पुणे की ओर जा रही है। ये क्रॉस हो रही है कोल्हापुर पुणे वंदे भारत इनॉग्रल स्पेशल। यहाँ पर अभी अपनी वंदे भारत इनॉग्रल स्पेशल ट्रेन पहुंच रही है सांगली मिरज जंक्शन पर। स्टेशन में हर एक बंदा अपना फोन निकाल के इस वंदे भारत को रिकॉर्ड कर रहा है। प्रधानमंत्री जी के पूरे नारे लग रहे हैं यहाँ पे। पहुंच चुके हैं अपने वंदे भारत पहुंच चुके हैं अपने दूसरे हॉल्ट पर जो कि है मिरज जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। यहाँ से कोल्हापुर के लिए लाइन निकल जाती है और जो वंदे भारत है ना कोल्हापुर से पुणे पुणे कोल्हापुर, जैसे आपको मैंने बताया अपनी जो हुबली वाले वंदे भारत है वो है ट्राई वीकली ट्रेन। बट मिरज से अगर किसी को पुणे जाना है या और अगर किसी को पुणे से मिरज जाना है उसके लिए तो हफ्ते के पूरे 6 या 7 दिन वंदे भारत डेली है, क्योंकि कोल्हापुर वाली होगी नहीं तो फिर ये होगी, इन दोनों में से कोई तो होगी। बाकी यार क्या चमक रही है वंदे भारत, भगवा वंदे भारत अलग ही चमकती है भाई। मतलब क्या बताओ, ये माहौल होता है ना इनॉग्रेशन का वो एक बहुत बढ़िया होता है। मेन बात है ना मेरा साइड बाय साइड एडिटिंग भी चल रहा है, आपके लिए व्लॉग भी बन रहा है, यहाँ पे हर चीज़ें हो रही है। शायद अगर आप अभी देख पा रहे होंगे वीडियो, मतलब जिस दिन आज इनॉग्रेशन है ट्राई करूंगा कि इसी दिन आज वीडियो डालो, नहीं तो फिर कल सुबह वीडियो आ सकता ही है। फाइनली भाई वंदे भारत एक्सप्रेस निकल चुके हैं मिरज जंक्शन से भाई। बट एक चीज़ है भाई समझ नहीं आई मेरे, गाड़ी जैसे मिरज आई ना वैसे ही गाड़ी स्टार स्पेशल बन गई है। मतलब मेरी जहाँ पे सीट है जहाँ इन्फ्लुएंसर का कोच है ना वहाँ पर हमारे सीटों पर बैठ रहे हैं। मैंने 3-4 लोगों को 4-4 बारी उठा दिया भाई, ये मैनेजमेंट मुझे समझ नहीं आता। मतलब बस गाड़ी को भरना है आपको, उस चीज़ का प्रेशर है समझ नहीं आया। चलो कोई दिक्कत नहीं, निकल चुके हैं मिरज जंक्शन से, यहाँ से आप कोल्हापुर की ओर जा सकते हो। हम अभी आगे बढ़ने वाले बेळगाव की ओर। ये देखिए भाई इस ट्रेन के हाल अभी क्या हो चुके हैं यहाँ पे, स्टाफ स्पेशल वंदे भारत। सीट कौन सा है आपका, सीट नंबर? सीट नंबर कौन सा है? पर अपना जो वंदे भारत एक्सप्रेस है ना, जिन जिन लोगों को फेयर्स के बारे में जानकारी चाहिए थी ये सब आप इसको ना पॉज करके एक बार पढ़ सकते हो आराम से। ये देखो भाई ये हालत कर दी इन लोगों ने, खाना खाकर ऐसे ही लगा दिया ऐसे ही फेंक दिया। यहाँ पर अभी अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस पहुँच रही है बेळगाव रेलवे स्टेशन पर, जिसको बेळगावी के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी साफ सुथरा रेलवे स्टेशन है इस बार, इस हर टाइम जितनी भी बार स्टेशन पर आता हूँ ना साफ सफाई यहाँ पे मेंटेन मुझे दिख जाती है। वैसे ट्रेन के हाल आपको मैं बता दिया था, लोग गंदगी वहाँ पे सामने के नीचे के साइड कचरा खा के वैसे ही फेंक रहे हैं, और उसके बाद लोग रेलवे को बोलते कि रेलवे साफ सफाई मेंटेन नहीं करता। क्या कर सकते हैं इस चीज़ पर भाई। बेळगाव में अभी अपनी ट्रेन पहुँच चुकी है, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे चढ़ने के लिए तैयार है ऐसा लग रहा है। स्टेशन देखो यार, ये देखो भाई साहब क्या भव्य यहाँ पे स्वागत हो गया हमारे भगवा वंदे भारत एक्सप्रेस का बेळगाव रेलवे स्टेशन पर। हमारा जो कोच है ना लगभग सारा का सारा यहाँ पे खाली हो चुका है। ये देखिए ये जो लोग चढ़े थे ना अभी अनऑथराइज लोग, देखो कितनी गंदगी कर रखी इन लोगों ने, देखो सीट पर गिरा दिया है, वहाँ पे बोतलें पड़ी हुई हैं ऐसे नीचे, देखो यहाँ पे स्पून पड़ा है। मतलब ये रियलिटी है आपको दिखा रहा हूँ, ये जो अनऑथराइज लोग चढ़ते हैं ना ये इतना गंदापन करते हैं। पहुंच चुके अभी हम धारवाड़ रेलवे स्टेशन पे। धारवाड़ मशहूर है अपने पेड़ों के लिए, धारवाड़ का पेड़ा बहुत बढ़िया है। बट अभी रात का टाइम हुआ ना इसने भी कोई पेड़ा बेच नहीं रहा भाई। चलो चलो अंदर चलो अंदर चलो अंदर चलो, दरवाजे बंद हो सकते हैं, दिक्कत फिर अपने कोई हो जाएगी भाई, इनॉग्रल बाहर ही ना पड़ जाए ये दिक्कत है। बाकी सर है हमारे साथ, प्रणव सर कैसे हो? बढ़िया। धारवाड़ से निकलते निकलते बारिश की भी शुरुआत हो गई है, ये देखो जोश अलग ही है भाई।
चलिए धारवाड़ तो जा चुका है, काफी ज्यादा ट्रेन यहाँ पर अपने अभी खाली हो चुके हैं। यहाँ पे अभी हम पहुंच रहे हैं श्री सिद्धारोड़ा स्वामी हुबली जंक्शन। एशिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म इसी रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। चलिए भाई पहुंच चुके हैं SSS हुबली जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। चलिए पहुंच चुके हैं हुबली जंक्शन। ये देखिए हम दुनिया के सबसे लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं जिसकी लंबाई 1507 मीटर की है। दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म भाई साहब लगा लो, हुबली जंक्शन कितना मायने रखता है भारतीय रेल के लिए। यहाँ पर वंदे भारत को तुरंत निकाल दिया गया है क्योंकि ये यार्ड में जा रही है शंटिंग के लिए। कल से ये ट्रेन अब पुणे के लिए कमर्शियल जर्नी अपनी तय करेगी। यार भगवा वंदे भारत किन किन लोगों पसंद, एक बार कमेंट करके जरूर बताना। फाइनली पुणे श्री स्वामी सिद्धारूढ़ा हुबली जंक्शन वंदे भारत इनॉग्रल स्पेशल पहुंच चुके अपने डेस्टिनेशन हुबली कर्नाटक में। बहुत बढ़िया जर्नी रही, लगभग 7.5 घंटे की जर्नी रही हमारी पुणे से लेकर हुबली तक। अच्छा लगा, थोड़ी सी थकावट हो गई है, क्या कर सकते हैं, इनॉग्रल स्पेशल है। बाकी गाड़ी बहुत बढ़िया, खाना पीना लंच ओके था, बाकी सब चीज़ें हमें बहुत बढ़िया लगी। व्लॉग कैसा लगा बताना कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर जाना। मिलता आपको ऐसे किसी नए शानदार जबरदस्त ट्रैवल व्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, सब लोगों का ख्याल रखिएगा। बाय बाय गाइस।